अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कस करना है वो है मेजरमेंट ऑफ थ्रेशोल्ड, डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड की। डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड की अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता तो मेरी फर्स्ट पीजी वीडियो साइकोफिजिक्स के ऊपर है, वो लोग जाके देख सकते हैं। वो डिटेल के अंदर इन सारे टर्म्स के बारे में एक्सप्लेन क्लियर कर दिया गया है। ओके, डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड क्या चीज़ होती है? दो स्टिमुलस के दरमियान हम लोग जो डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। किस तरीके से? एक स्टिमुलस पहले से हम लोगों ने दिया हुआ है और उसके अंदर फिर हम लोग एक न्यू स्टिमुलस डालते हैं ताकि हम लोग देख सकें कि आया इंडिविजुअल ने वैल्यू कि उन दोनों के दरमियान इंडिविजुअल ने क्या डिफरेंस फाइंड आउट किया है, तो वो हम लोग उसको कहते हैं डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। ओके, अब उसके बाद ये क्या है कि मैंने बताया कि वो दो स्टिमुलस के दरमियान का डिफरेंस है, तो इसके अंदर जो हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे वो होगी असेंडिंग और डिसेंडिंग डिसऑर्डर वाइज ही। बट क्या होगा कि हम लोग एक स्टैंडर्ड स्टिमुलस रख देंगे, जैसे कि अब आप लोग आगे यहाँ के ऊपर टेबल के ऊपर आ जाएं, क्योंकि वेट इन ग्राम रखा हुआ है जिसके अंदर 120 लिखा आ रहा है। एसटी 120 जो है वो हमारा एक स्टैंडर्ड वेट है जो हम लोग ने पहले से सिलेक्ट किया हुआ है। ये एक हम लोग ने पहले उसको एक स्टिमुलस मतलब कि ग्राम के अंदर उसको वेट पकड़ा दिया कि ये वेट है उसके पास। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग AD ये वाले क्या चाहिए? AD मतलब कि ये सेंडिंग डिसेंडिंग वाला नहीं है, ये मतलब है कि A एक दफ़ा किया, D वाला दूसरी दफ़ा किया। आप क्या करेंगे, हम लोग 120 में सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव वाला करेंगे, क्या करेंगे 125 का उसको वेट देके देखेंगे, मतलब ज़्यादा वेट देंगे। हम लोग देखेंगे कि आया उसने इस चीज़ के ऊपर उसको डिटेक्ट किया कि नहीं किया। फिर अगर जो हमारा इंडिविजुअल है वो कहे कि नहीं, तो हम लोग वहाँ पे लगा लेंगे इक्वल। ठीक है, ये जो इक्वल का ये जो दो लाइंस है वो इक्वल को शो कर रही है, पॉजिटिव जो है वो हायर वेट को शो कर रही है कि जब उसने चीज़ को डिटेक्ट कर लिया है। और ये जो माइनस नेगेटिव साइन है वो इस चीज़ को शो कर रहा है कि उसने हम लोगों ने उसे नेगेटिव के अंदर मतलब वेट कम किया तो उसने उस चीज़ को डिटेक्ट कर लिया है। तो क्या करेंगे, अब देखिए इसके ऊपर सबसे पहले कि 150 के ऊपर उसने डिटेक्ट किया है कि वेट में कोई चेंजेस आई है। अब ठीक है, तो हम लोग इसके ट्रांजिशन पॉइंट निकालेंगे सेम पिछले थ्रेशोल्ड एब्सोल्यूट की तरह, यानी कि 150 और 125 को आपस में प्लस करवा देंगे और डिवाइड करवा देंगे 2 के, तो हमारे पास इसका ट्रांजिशन पॉइंट पॉजिटिव के अंदर आ जाएगा 137.5। ओके, अब इसके बाद नेगेटिव के अंदर जाएं तो अगेन उसने कहाँ पे शो किया है, 110 और 105 के ऊपर। इन दोनों को हम लोग आपस में ऐड करवा लेंगे और 107 ऐड करवा के डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर, तो हमारे पास 107 आ जाएगा। अगेन हम लोगों ने ट्रांजिशन पॉइंट जब किसी का निकालना होता है तो दो स्टिमुलस के दरमियान जो डिफरेंस आया है, मतलब एक जगह उसने कहा है कि उसे कोई चीज़ महसूस नहीं हो रही, उसके बाद उसने अगले पॉइंट के ऊपर कहा है उसको दो चीज़ मतलब कि उसे कोई डिफरेंस महसूस हो रहा है, तो उन दोनों का हम लोग मीन लेके उसको डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर, तो वो हमारा आता है ट्रांजिशन पॉइंट। इसी तरीके से जितने भी आगे AD जितने भी, इन सब के ट्रांजिशन पॉइंट पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव के अंदर निकालते जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है, हम लोगों ने इसका पॉजिटिव में मीन निकालेंगे और नेगेटिव में मीन निकालेंगे। ये सेम एज इट पिछले थ्रेशोल्ड की तरह से एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड की तरीके से है कि इन जितने पॉजिटिव सारे जितने भी नंबर्स हैं सबको ऐड करके इसके नंबर ऑफ़ ट्रायल्स के ऊपर हम लोग डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हमारे 10 हैं तो हम लोग 10 लिख दें। अगर बिलफर्ज ये हमारा नंबर ऑफ़ ट्रायल्स मतलब कि जो AD है ये हमारे 12 होते 13 होते तो नीचे हम लोग 10 की बजाय वो लिखते। फिर इन लोगों का हमारे पास मीन निकल आएगा, नेगेटिव का भी इसी तरीके से निकालेंगे। फिर ये नीचे आता है जब नेगेटिव का 115 आ गया हमारे पास और पॉजिटिव किसका कितना आया 129। फिर उसके बाद नीचे देखें कि अपर डिफरेंशियल लाइमन मतलब कि जो पॉजिटिव वाला अपर जो है वो हमारा पॉजिटिव में आएगा, जो लोअर है वो हमारा नेगेटिव वाला आएगा। अब इसमें देखें कि हमारा उसका फॉर्मूला होता है मीन माइनस स्टैंडर्ड। मीन हम लोग ने अभी ऊपर निकाला है पॉजिटिव का जो कि 129 आया है, 129 को माइनस करवा देंगे हम लोग 120 मतलब उसके स्टैंडर्ड वैल्यू से जो हम उसने हमने रखी हुई है उसमें से माइनस करवा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। इसी तरीके से नेगेटिव को निकालें, 120 जो हम लोगों ने उसके मीन लेके निकाली उसको माइनस 120 में से निकाल लेंगे माइनस करवा लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। यानी ये चीज़ हमारे पास अपर थ्रेशोल्ड लाइमन और लोअर थ्रेशोल्ड लाइमन निकाल आ गई है। अब हमारा इनका फॉर्मूला क्या होता है कि अपर DL और लोअर DL को प्लस करवा के उनका मीन लेंगे तो हमारे पास DL आ जाएगी। यानी कि ये जो चीज़ निकाली है हम लोगों ने DL निकालने के लिए निकाली है, मतलब कि अपर और लोअर का जो हम लोग प्लस करके डिवाइड 2 करेंगे तो हमारे पास एक मीन आ जाएगा DL जो कि हमें चाहिए इसके अंदर।
ओके अब आप अगली चीज़ देखिए, यहाँ पे आ रहा है पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी। ये क्या चीज़ होती है? ये जो हमने मीन पॉजिटिव का और लोअर जो नेगेटिव का हम लोगों ने मीन निकाला है, इन लोगों को जब हम लोग फर्दर देखते हैं कि इनके दरमियान कितनी इक्वालिटी है, उसको डिराइन के ट्रांजिशन पॉइंट की तरह ही सिंपल, ठीक है, तो उसको जब हम लोग निकालते हैं वो हमारा पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी आता है। अब इसमें मीन पॉजिटिव का हमारे पास 129 आया था, इसके अंदर 115 प्लस करके डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 122, जो कि हमारा पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी है, जो कि बताता है हमें कि इन पॉजिटिव और नेगेटिव के मीन्स के अंदर कितनी इक्वालिटी है, ये इस चीज़ को बताता है। जो कि फर्दर हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं, किसी हमारी इस चीज़ कॉन्स्टेंट एरर को फाइंड करने के लिए कि इंडिविजुअल ने कितना एरर शो किए हैं इस पूरे प्रोसीजर के अंदर या पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर, उस चीज़ के लिए हम लोगों को मीन ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी निकालना ज़रूरी होता है। ओके फिर अगर आता है इंटरवल ऑफ अनसर्टेन, ये क्या चीज़ करती है, उसने कितनी जो उसको इंटरवल दिया गया था वो क्या अनसर्टेन है या सर्टेन है, वो ठीक है भी कि नहीं है, उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन जो पॉजिटिव और जो माइनस आया हमारा नेगेटिव वैल्यू है उन दोनों को आपस में माइनस करवा देंगे, तो हमारे पास 14 मतलब कि 14 टाइम वो जो उसने पार्ट इंडिविजुअल ने उसको इंटरवल की वैल्यूज़ दी हैं वो ठीक नहीं दी है, ये चीज़ वो शो करती है। फिर कॉन्स्टेंट एरर निकालने के लिए हम लोग क्या करें, जो पीस यानी कि सब्जेक्टिव इक्वालिटी दी गई है उसमें से माइनस करवा देंगे उसके स्टैंडर्ड वैल्यू के, जो कि हमारे पास सी ही आता है, मतलब कॉन्स्टेंट एरर यानी कि 2 टाइम्स जो परसेंट जो है वो उसने कॉन्स्टेंट एरर इसके अंदर शो किया है। और इसके अंदर अगेन लिमिट्स ऑफ मेथड जो लिमिटेशंस आती है वही आती है, मेथड ऑफ एंटिसिपेशन और एरर ऑफ हैबिचुएशन और एरर ऑफ एंटिसिपेशन, ये दो चीज़ें इसके अंदर लिमिट्स आती हैं। उम्मीद करती हूँ ये वाली वीडियोस भी आपको पहली वीडियोस की तरह बहुत पसंद आएगी। अगली चीज़ जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो मेथड ऑफ कॉन्स्टेंट स्टिमुलाई का है। थैंक यू।